क्या नाम है बहन जी आपका? सर माया। कहाँ से आ रही हैं आप? सर राजुल्ला से, गुजरात राजुल्ला। ठीक है, कहाँ जाएंगे आप? सर एमपी भोपाल। आप यहाँ कब से हैं? सर सुबह 9 बजे से बैठे हैं, हमारे साथ वाले सब चले गए लेकिन बस वाले उतार के और डंपर में चढ़ा रहे। हम लोगों के साथ में बहुत सारी लेडीज है जिनके साथ में बच्चा भी है, अगर हमारे साथ में कुछ हो जाएगा तो कौन इसका जवाबदार रहेगा? अगर बस चालू किया है तो हम लोगों के लिए किया है, अगर नहीं किया है तो फिर यहाँ पे बस लगाने का क्या मतलब है? वापस कर दे, हम लोग हमारे हिसाब से चले जाते हैं, जो जानकारी अगर हमारे साथ में कुछ होता है तो इसका जवाबदारी कौन होगा? देखिए, एक महिला अपनी व्यथा बता रही है, वैसे ही मेरे पास एक गर्भवती बहन मात्र शक्ति खड़ी है, मैं उनसे पूछूंगा कि आपकी क्या समस्या और आप कहां से आई और कहां जाएंगे? हम अहमदाबाद से आए। कहां जाना है बहन आप? राजगढ़ जी। राजगढ़ जाना, तो आपको क्या समस्या आ रही है पेट्रोल में? प्रशासन कह रहा है आपको खाने पीने और पहुँचाने की व्यवस्था, यहाँ क्या व्यवस्थाएं बन रही है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है पहुँचाने की, जो बसों की जगह ट्रक में घुसा रहा है, भले कोई प्रेग्नेंट है या बच्चे हैं लेडीज के साथ तो भी वो ट्रकों में घुसा के भेज रहे हैं। हम उसे साहब से पूछने मदद लेने गए तो बोलते हैं कि 24 घंटा हम ड्यूटी कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता, और उधर घुमाने क्यों गए? अच्छा। और बोला, हमने बोला कि सरकार मदद कर रही, तो बोलता है क्या मदद कर रही सरकार? देखिए, ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए? मैं राजुला अमरेली से। कहाँ जाएंगे आप? कटनी जिला। कटनी जिला जाना है। कितनी बजे से खड़े हैं आप यहाँ? मैं 11 बजे आ गया था। आपको भोजन मिला या नहीं मिला? नहीं खाया था। सुबह 11 बजे से भोजन ही नहीं खाया आपने? नहीं सर। आप कहाँ से आए भैया? बस। आप देख रहे हैं इन लोगों की पीड़ा व्यथा। गई रात्रि में कटनी में भी एक बस और प्रवासी मजदूरों से भरे ट्राले की टक्कर हुई थी, उसके अंदर 8 से 10 मजदूर मर गए थे। और वर्तमान परिस्थितियों में पेट्रोल बॉर्डर से बस होने के बावजूद भी यहाँ ट्रकों से लोगों को पहुँचाया जा रहा है। बड़ा गंभीर और चिंतनीय विषय है कि शासन इस प्रकार की क्यों व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहा है, जबकि यहाँ आरोप है खाना पीना रहना मिल नहीं रहा है। सवाल यह है कि या तो शासन को स्वैच्छिक ये व्यवस्थाएँ बंद करके इनको इनके हाल पे फिर से छोड़ देना चाहिए, या ये लोग जो पीड़ित हैं उनको इनके घर तक पहुंचाना चाहिए। अगर महिलाएं ट्रकों में बैठ के जाएगी, आगे कुछ भी हादसा होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन केवल मुआवजा बांट के इतिश्री कर लेगा और इन मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ हो जाएगी। बने रहिए झाबा लाइव के साथ।